शुभम शुभम। हाँ भाई, हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया। तू बता कैसा है, क्या चल रहा यार है मैं तो बढ़िया, लेकिन दिल्ली में कोरोना के तो भाई हाल बुरे हैं। वहां पे कैसे हाल है? भाई? वहां पे क्या, दिल्ली में मैं भी हूँ। एक ही ऐसे हाल है, ऐसे तेरे वैसे मेरे हैं। भाई तुमने केसेस तेरे देखा? ज्यादा होंगे, मेरे कम है यहाँ पे थोड़े से। हाँ हाँ लेकिन यार अभी, अरे गॉन गेम सीरीज आई है वूट पर, तूने वो देखी मैंने क्या? देख ली, कौन गेम देख ली है। बढ़िया सीरीज है, बहुत सही है। प्यारी सीरीज है, इतनी ज्यादा मिस्ट्री है, इतनी ज्यादा सस्पेंस है उसके अंदर, देख के मजा देंगे। हाँ तूने देख ली वो सीरीज? तो मैंने तो आज ही देखी है। रिव्यू डाल दे फिर इसका। चलो आओ गॉन गेम का रिव्यू करते हैं फिर। और शुरू हो जाता है इंट्रो। हाँ जी हाँ जी नमस्कार, नमस्कार, आओ ऊपर, मैं हूँ शुभम। और आप देख रहे हैं भाई रिव्यू करें। तो बार जरा बताओगे कि गॉन्ग गेम सीरीज अब में सबसे ज्यादा पसंद क्या आया तुम्हें? यार सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसे हम आज फोन पे और ये डेस्कटॉप पे हम वीडियो कॉल पर रिव्यू क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, जो जो गॉन गेम जिसे देख लिया वो लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं देखी है उनको मैं बता दूं कि गॉन गेम सीरीज जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड सीरीज है। अगर उन्होंने सर्च मूवी देखी है तो लोग इस वेब सीरीज से जरूर रिलेट करेंगे। वैसे इस वेब सीरीज की खास बात क्या है, उपहार एक बार बताओगे? तो यार इस वेब सीरीज की मैं मुझे जो लगा वो तो मेन थिंग तो यही है कि जो पूरी फैमिली है वो स्प्लिटेड हाँ है और अलग अलग लोकेशन में है, तो वो लोग आपस में बात करने के लिए सेलफोन्स और वीडियो कॉल का यूज करते हैं। लाइक सो इसलिए हमने इसको बोला कि ये डेस्कटॉप सीरीज है। तो तेरे को क्या लगता हाँ है? मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो वेब सीरीज है ये कोरोना के टाइम पे बनाई गई है। सब लोग अपने जब लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए थे उस टाइम डायरेक्टर को काफ़ी अच्छा आइडिया आया है, खैर ये, और उन्होंने इस लॉकडाउन में एक बहुत ही एपिक वेब सीरीज हमें प्रोड्यूस करके दी है। हालांकि ये वेब सीरीज 4 एपिसोड का ही है, 25 मिनट के 4 एपिसोड्स हैं इसमें, लेकिन वेब सीरीज बहुत ही प्यारी है। और इसका एंड देख के लगता नहीं है कि ये वेब सीरीज यहाँ पे खत्म हुई है कि नहीं? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ यार, तो तुझे ध्यान होगा शायद, तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जब अर्जुन जो संजय कपूर का बेटे हैं वो बैंकॉक से इंडिया आते हैं, और उसके बाद उसको कोविड हो जाता है और हाँ फिर उसके इलाज के लिए वो हॉस्पिटल जाता है, हाँ राइट? तो उसके बाद पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है कि यार एकदम से कोविड हो गया, एंड यू नो, और तब स्टार्टिंग होती है मिस्ट्री और सस्पेंस की। बिल्कुल। तो मैं दोस्तों को कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ और ना ही मैं इसकी डिटेल्स में जाना चाहता हूँ कि क्या सस्पेंस थे, क्या था। बस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सीधा सीधा इसमें मोटा मोटा सिर्फ यही है, एक बंदा आता है जिसका नाम अर्जुन है, वो बैंकॉक से वापस आते हैं, फिर कोरोना का माहौल स्टार्टिंग में होता ही होता है। उस टाइम पे दिखाया जाता है कि वो उनको थोड़े थोड़े सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं कोरोना के, और वो उनको धीरे 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 वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते दिखाया जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है उस सिचुएशन में, जबकि वो अपनी वाइफ के साथ सिर्फ एक क्वारंटाइन प्लेस पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जितने भी हाउस मेंबर्स हैं, लाइक उनकी मदर, फादर और भाई और बहनें, जितने भी कजन्स वगैरह हैं, सब लोग अलग अलग लोकेशन में फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, और कोई भी उनकी क्रिमिनेशन में नहीं जा सकता है बिकॉज एक कोविड डेथ थी। और हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल वाले ही उनका क्रिमिनेशन कर देते हैं। तो शुभम तेरे को याद होगा कि जब अर्जुन के रिचुअल चल रहे थे तभी जो हमारी मिस त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत सारे सीरियल्स में बहुत अच्छा रोल करा है, तो उनको एकदम से शक होता है कि लगता है यार अर्जुन अभी तक मरा नहीं है, और पूरी फैमिली को लाइक वो सब क्लूज के पीछे पड़ जाते हैं कि यार हमें शायद अर्जुन को एक बार देखना चाहिए क्योंकि उसकी कोई भी एज सच को रिपोर्ट नहीं थी, एंड फिर स्टार्ट होती है पूरी मिस्ट्री की। तो एक्चुअली मिस्ट्री इसी चीज की है कि वाकई ये कोरोना से डेथ हुई है या कोई प्लान्ड मर्डर था, और या राइट, फिर अर्जुन अलाइव है या किडनैप्ड है, क्या है एक्चुअल में? दोस्तों मैं फिर से बोलना चाहूंगा, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहता, वरना कोई ना कोई आपको स्पॉइलर दे ही दूंगा। तो इट्स बेटर है आप लोग जाइए इस वेब सीरीज को ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा। व्हाट अबाउट यू उपहार? यार देख स्टोरी का जो सस्पेंस है, बार बार मैं जो बोल रहा हूँ, और जो उसमें मिस्ट्री है, और जो इसको डायरेक्शन मिली है कोविड के टाइम में, ऐसी मूवी ऐसी सीरीज है ना, मतलब एक ऑसम सीरीज में बोल सकता हूँ। लेकिन बेहतर, कुछ पॉइंट है, लाइक एक हैकर वाला पॉइंट है, तो उसको मैं एक मार्क काटूंगा। यू आर राइट,
हैकर का पॉइंट के लिए भी मैं 5 में से 4 ही दूंगा, क्योंकि हैकर के इस वेब सीरीज में आने से काफ़ी चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। लाइक श्वेता त्रिपाठी जो उनकी बहन का रोल कर रही हैं अर्जुन की, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अर्जुन के बैंक डिटेल्स या गूगल का हैक करना है या उनका फेसबुक हैक करना है, कोई भी चीज़ें अनफोल्ड करनी होती हैं तो बहुत ही ईजिली हो जाता है। हैकर को कॉल करा, उसने डिटेल्स दे दी, हैकर को कॉल करा, उसके पास CCTV का एक्सेस आ गया। देयर इज़ नथिंग जो मैनुअली हो रहा है, जो जिससे जो एक सस्पेंस है, जो थ्रिल है, वो बन के नहीं रह पा रहा है। एकदम से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, लोगों को पता चल रहा है, वो लंबा नहीं जा पा रहा है, इसलिए मैं एक इसका कट कर रहा हूँ। ओके तो शुभम, एक बात तो मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि भाई एक बार ये वाली सीरीज जरूर देखें, और उनको देखने के बाद उनके दिमाग के ताले तो पक्का खुलने वाले हैं और उनको 100% आने वाली सीरीज का इंतजार रहने वाला है। बिल्कुल, आई होप लोगों को हमारा ये वाला रिव्यू भी पसंद आए इस कॉन्सेप्ट का, जो हमने अभी अभी शूट आउट किया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हमने अभी अभी चांदनी चौक गए थे, एक बहुत ही प्यारा व्लॉग हमने अपलोड करा है हमारे चैनल पे, उसको जरूर देखें। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें, हमें बताएं कि हम आगे क्या रिव्यू करें। जो चीज़ आपको पसंद आ रही है, हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आगे रिव्यू करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक्स फॉर एवरीथिंग गाइज, प्लीज़ कीप वॉचिंग अवर वीडियो। बिल्कुल, और हम मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन पीस आउट, बाय उपहार, बाय शुभम। Walk, walk.